तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आपको एक्साइटमेंट देख के पता चल रहा होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू लद्दाख, जो कि होने वाली है 7000 प्लस किलोमीटर की राइड। तो उसके लिए हम लोगों की सारी प्रिपरेशन हो गई है, जो आपने लास्ट वीडियो में आई गेस देख ही लिया होगा। तो बस अब हम लोग रेडी हो रहे हैं और निकल रहे हैं सीधे लद्दाख के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 लगभग, हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, यानी आधा गेयर अप हो गए। तो बस निकलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं सीधे लद्दाख, ठीक है? चलो अभी फटाफट रेडी होते हैं, नीचे मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। अभी यहाँ पे हो रही गर्मी, अब अपना सफ़र शुरू हो रहा है लद्दाख के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले अपन करते हैं सारी ट्रिप ज़ीरो, ट्रिप भी अपन टोटल रखेंगे और ट्रिप पे डेली का देखेंगे कितना है, ठीक है? याद रखना, मैं भूल जाऊँ तो मुझे बता देना। चलिए तो भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल, रक्षा करना इस लंबी राइड के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो 2 मिनट अपन मंदिर में रुक करके मत्था टेक लेते हैं भगवान का, ताकि भगवान अपनी रक्षा करें। अंदर नहीं जाएंगे मंदिर के, मंदिर बंद है अभी। तो क्या हो गया, जय श्री गणेश, रक्षा करना। और भोलेनाथ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हो रही है अपनी सुबह आज की, आपकी सुबह कैसी है कमेंट करके बताना। तो वैसे कितने आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक मुझे अल्फाज नहीं मिलेंगे इस वक्त बताने के लिए, क्योंकि कितना एक्साइटेड हूँ मैं। तो बस जुड़े रहिए आप। और सुबह हुई है 5:45 बज रही है अभी सुबह के, और अभी हम लोग जस्ट यानी हाईवे पर टच हुए हैं, बिकॉज बीच में काफ़ी ट्रैफिक था। सुबह सुबह ट्रैफिक होता है, नो इश्यूज, बट नाउ इट्स ओके। गर्मी थोड़ी है शायद, अभी हम लोग ट्रैफिक से निकले इसलिए अभी यूज टू नहीं हुए हैं। तो जैसे ही हाईवे पे होंगे, जो ठंडी ठंडी हवा जब आपको लगेगी, आय हाय, इसी को तो मैं मिस कर रहा हूँ। ये देखिए सनराइज़ कितना सुंदर हो रहा है, यानी मुझे पता नहीं क्या ऑब्सेशन है सनराइज़ से और सूरज से। वो देखो कितना सूरज, यानी बट देयर इज़ नो वर्ड टू डिस्क्राइब दिस, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए। कितना सही लग रहा है सनराइज़। तो अपन ने सुबह 7 बजे कर लिया है गुजरात में प्रवेश, तो आज का ये पहला स्टेट। तो आज अपने को मुंबई से निकले हैं, तो गुजरात क्रॉस करके अपने को राजस्थान पहुंचना है। तो एक दिन में 3रा स्टेट आज अपने को कवर करने का है। तो यहाँ से सूरत बचा 130 किलोमीटर मात्र। तो अपना प्लान तो ऐसा है कि जोधपुर एटलीस्ट रुके, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी 7 बज गए, तो अभी तो एक टी ब्रेक और ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुकना है, चाय वगैरह पीते हैं और पेट्रोल भी डलवाते हैं गाड़ी में, क्योंकि हम गुजरात में हैं, पेट्रोल सस्ता है, महाराष्ट्र में पेट्रोल महंगा है, इसलिए महाराष्ट्र में नहीं डलवाया गया फुल टैंक, अब करवाया जाएगा फुल टैंक। अभी तक अपन ने लगभग 160 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, और रोड तो क्या ही लग रहे हैं भाई साहब, यानी अभी तक के ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोगों ने 150 किलोमीटर प्लस गाड़ी चला चुके हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो चालू की है राइड, शायद ये एक्साइटमेंट लद्दाख जाने की है, ये क्या है पता नहीं, बट रोड मक्खन है, गाड़ी बहुत प्यारी है, एंड आई लव यू। तो अभी टाइम हो रहा है 8:38 पर, हम लोग पहुंच गए लगभग नियर बाय भरूच। अब रुके हैं जब जाके के 225 किलोमीटर चलाने के बाद में, और अब करेंगे हम लोग नाश्ता ब्रेकफास्ट। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया, ये करते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है? चलो आगे मिलते हैं आपसे। और अभी आगे जब यहाँ से निकलेंगे ना, तो आपको बाइक दिखाते हैं किस तरह से उसको लोड किया है। अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से, तो जाते जाते आपको मैं बाइक पर बता देता हूँ कि बाइक हम लोगों ने कैसे लोड करी है 2 लोगों के लिए, एक लद्दाख ट्रिप, फर्स्ट टाइम वी स्ट्रॉम पे मुंबई से सीधे लद्दाख। तो कुछ इस तरह से लोड किया अपन ने बाइक, अपने साथ महाकाल हुआ, ये अपने स्लीपिंग बैग,
दो पेनियर्स हैं, टेंट, योगा मैट, अपना टॉप बॉक्स, पेनियर्स, एक बैग एक्स्ट्रा रखा है, टेंट बैग, और साथ में अपने गणपति उपकरण हो गया। तो इस तरह अपन ने पूरी गाड़ी को लोड किया। गियर दोनों ने सारे पहन रखे हैं, वाइफ ने जैकेट पहन रखी है प्लस नी गार्ड पहन रखे हैं, हेलमेट तो है ही ऑब्वियसली, और मैंने जैकेट, राइडिंग पैंट, हेलमेट, ग्लव्स, सब कुछ। ठीक है, चलो मिलते हैं आप सीधे बाइक पे। लेकिन लिटरली यार गर्मी भयानक है, तोड़ फोड़ गर्मी है एकदम। मैंने अभी आधा घंटा ही हुआ है हम लोग को गाड़ी चलाते हुए, लेकिन रियलाइज हो गया है कि 9 बजे भी अच्छी खासी गर्मी है। तो जो लोग भी लद्दाख का प्लान कर रहे हैं तो माइंड में बना के रखना कि आपको पंजाब क्रॉस करने के बाद शायद थोड़ा सा कम टेम्परेचर मिलेगा। जैसा मेरे जो कुछ दोस्त लोग हैं जो अभी गए हैं जस्ट लास्ट वीक, उन्होंने भी सेम चीज़ बोला कि भाई साहब पंजाब तक के जी फाड़ गर्मी मिलने वाला है, और वो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। और हम लोग बाइकर्स हैं ना, तो हम लोग हेड टू टो पूरा कवर रहते हैं, तो हवा ऐसा चीज ऐसी लग नहीं पाती है, तो गर्मी तो लगती है भयानक। तो आ रहे हो तो हाइड्रेट रहो और गर्मी के लिए तैयार रहो। तो अपन पहुँच गए हजीरा लगभग, और ये देखो कितना सही लग रहा है भारत का झंडा इतनी तेज हवा में लहराते हुए, लग रहा है ना, देता ना ये गुजबम मुझको भी और हर एक इंडियन को देता होगा, ये तो श्योर है। आज अपना टाइफून सबकी अटेंशन पा रहा है, जिसको देखो वो मुंबई से जब से निकले ना सब पलट पलट के देख रहे हैं बाइक को। कुछ लोग बच्चे थे, कुछ स्कूल बस में थे, वहाँ से वो स्टोरी बना रहे थे। ये कौन सी जगह है भरूच और वडोदरा के बीच में, इस जगह का नाम तो नहीं पता, बट देखो कितना सही महल टाइप का बना हुआ है। ये महल है कि क्या है पता नहीं है, बट क्या सही लग रहा है। बीच में घड़ी भी लगी हुई है, घंटाघर नहीं है वो, बल्ब केवल क्लॉक टावर है। सही लग रहा है यार, ये राजा राजवाड़ो का लग रहा है कुछ। वो तो राजस्थान में मिलेगा ना, गुजरात में इतने अच्छे अच्छे कैसे मिल रहे हैं। मंदिर है शायद, ये क्या लिखा है पता नहीं है, गुजराती में लिखा है कोई मंदिर है शायद। वडोदरा यहाँ से बचा है मात्र 5-7-8 किलोमीटर हार्डली, तो ऊपर सब रुके हैं गन्ने के जूस के लिए, थोड़ा सा हाइड्रेट हुए कि गर्मी इतनी भयानक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हालत ख़राब हो रही है, शक्ल सूरत देख के लग रहा हो पता नहीं चलेगा, बट हाँ है गर्मी भयानक, लू चल रही है। तो बस अभी गन्ने का जूस ऑर्डर किए हैं, लटकते हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से वडोदरा से। अभी हम लोग को ये डिसाइड करना है कि जयपुर वाले रास्ते से जाएं या जोधपुर वाले से, क्योंकि तो गुजरात ही पता सबसे अच्छी बात क्या लगी, भले वो छोटा ब्रिज हो या बड़ा ब्रिज हो तो उसकी डिटेल्स सारी दे देते, जैसे माही रिवर ब्रिज है, नदी का नाम माही है, इसकी लेंथ कितनी है, क्या है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं यार। इस बार गूगल माता ने हमको सही रास्ता दिखाया था, गोधरा हाईवे, बट मेरी मूर्खता समझो या मेरा कुछ भी समझो, मैंने सोचा कि यार दो रास्ते बता रहा था, एक ये वाला हाईवे ये वाला रोड बता रहा था और एक वाला बता रहा था, और दोनों स्टेट हाईवे थे। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये 35-40 किलोमीटर छोटा पड़ रहा है और दोनों में टाइम तो सेम ही बता रहा है, 80 है, तो क्यों 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है, इधर से ही चलते हैं। तो इधर से आ गए और ये सिंगल लेन हाईवे पर आ गए अपन, 6 लेन हाईवे को छोड़ करके। हम लोगों ने नेशनल हाईवे भले ही छोड़ दिया, लेकिन मुझे यही रोड ज़्यादा अच्छा लग रहा, ऐसे रोड पे चलाने में मज़ा आता है। वो हाईवे पर बस बैठे रहो, एक्सीलेटर खींचो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बोरिंग होता है, हो जाता है। देखो हाईवे छोड़ने के कभी कभी फ़ायदे भी हो जाते हैं, हाईवे छोड़ा ये वाला रोड लिया तो अपने को मस्त एक बेहतरीन सी जगह मिल गई, खाट के नीचे और नीम के पेड़ के नीचे। आए हाय गर्मी का इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं अपनी चाय आ रही है, चाय पियेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि हल्का सा सर दर्द होना चालू हो गया ये गर्मी के कारण, तो शुगर लेवल शायद कम हो गया तो वो हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया, मज़े आ रहे हैं, गर्मी बहुत है,
फटाफट अपने को पहाड़ों पे जाने का, वहाँ पहुँचेंगे ठंडी ठंडी हवा लगेगी तब मज़ा आएगा, बस थक गए इस गर्मी से। चलो मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। जैसे राजस्थान के पास जा रहे हैं वैसे वैसे देखो राजस्थान की चीज़ें दिखने लग गई, ऊँट दिख गया अपने को, और ऐसे ही जैसे जैसे अपन राजस्थान, अभी मुझे भी नहीं पता राजस्थान बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से, बट स्मेल आने लग गई राजस्थान की, मारो राजस्थान। ये तो वैसे गुजरात में ही है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी पता नहीं। तो स्वागत है आपका वीरभूमि मेवाड़ राजस्थान में, पधारो हमारा देश। राजस्थान में दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार आया था मैं जोधपुर आई गेस 2013 में, शायद 13 में। वो भी पता है क्या हुआ था कि हम लोग कुछ फ्रेंड्स जो कॉलेज में थे हम लोग साथ में, हम लोग बस घर से निकल गए थे, देवास के रेलवे स्टेशन पे आए, और तब डिसाइड किया कि क्या करना है, तब तक के डिसाइड नहीं था कहाँ जाना है, तो हम लोगों ने देखा अच्छा यहाँ की ट्रेन आ रही है, तो फट से उस पर बैठ गए और आ गए हम लोग जोधपुर। लिटरली वो ट्रिप भी क्या यादगार थी, हम लोग लोकल में आए थे, जो मेरे दोस्त लोग हैं ना उनसे कभी मिले ना तो मैं आपको बताऊंगा कितना मज़ा आया था वो भी ट्रिप में, देवास से जोधपुर लोकल भर गर्मी में, हाय हाय क्या मजे थे। गुजरात क्या था ना कि ड्राई स्टेट था, तो अपन ड्राई ड्राई हो गए थे तो अपने को मज़ा नहीं आ रहा था, अपन जैसे राजस्थान इंटर किए ना तो अपने अंदर एकदम से एड्रेनल जाग गया, तो पूरी एनर्जी आ गई अब अपने वापस से। यस, और वो और ऊपर से घाट आया ना, सुबह से क्या फ्लैट रोड पे गाड़ी चला चला के मैं बोर हो गया था, अब आया एक घाट इसमें आता है मज़ा, वही छोटा घाट है बट घाट तो घाट होता है, एंड लाइक द घाट यू नो, घाट घाट का पानी पिएगा तेरा भाई। चलो छोटा सा घाट तक ख़त्म हुआ, दादा राम राम। मजा आती है ऐसे सब लोगों के साथ मस्ती करने में रोड पे, यही तो मजा है ये सफर का, इसी में तो मजा आता है जब आप दूसरे लोगों को एक स्माइल दे देते हो चेहरे पे जस्ट बाय सिंगल वेव और कुछ नहीं, चलो आपको ऐसे करके हाथ हिलाना है सामने वाला खुश हो जाता है, यही है जीवन का सत्य मेरे मित्रों, खुशियां बांटते चलो और आगे बढ़ते चलो। ओहो, लेकिन इन्होंने खुशियाँ नहीं बांटी, अभी यहाँ गर्व होटल और रेस्टोरेंट पे चाय भी, अपन ने एकदम छोटी दुकान है लेकिन क्या तो चाय पी भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम, राजस्थान में आओ चाय अच्छी ना मिले ये तो इम्पॉसिबल जैसी बात है। चलो अब यहाँ से हार्डली 60-65 किलोमीटर बचा है अपना उदयपुर, और 45 मिनट का ब्रेक ले लिया हम लोगों ने, बताओ अब मजाक मजाक में बैठे बैठे है अब क्या कर, देखो इतनी तो कड़क धूप है अभी भी, 6:45 बज गई है, तो देखते हैं अब आगे देख, उदयपुर तो रुकते ही है, यानी अभी प्लान यही है कि उदयपुर रुकते हैं, फिर सुबह उदयपुर से देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। लग रहा है सामने यार, गोप्रो पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट छोटे 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 ढेर सारे पहाड़ों के एकदम लाइन से लगे हुए हैं, क्या ही लग रहे थे, आहा मज़ा आ गया, बोले तो एकदम रैपचेक। स्वागत है आपका झीलों की नगरी उदयपुर में, और स्वागत करती है अपने को एक नई झील, अभी ये झील कौन सी पता नहीं, द सिटी ऑफ लेक उदयपुर। तो फाइनली अपन पहुंच गए उदयपुर, अब अपने को यहाँ पर ढूंढना है होटल कोई सा सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत। चलो तो अपन फाइनली अब पहुंच गए हैं उदयपुर, और ये हैं हमारे गजेंद्र भाई जो कि हैं संपूर्ण होटल के ओनर, और नया होटल खुला है बहुत ही बढ़िया उदयपुर में, अगर आपको आना है तो आप यहाँ आ सकते हो, अगर आप लद्दाख दिल्ली या श्रीनगर या इस साइड ट्रेवल कर रहे हो ना, एक तो शहर में नहीं है तो आप बच जाओगे ये सब चिल्ला चोट से, और यहीं से सीधे हाईवे निकलेगा, तो जस्ट आधा सेकंड की दूरी पे हाईवे से जस्ट टच है हाईवे, तो आपको फटाफट कोई सुबह अगर आपको निकलना है तो लेट नहीं होगा, खाना यहीं मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ें यहीं मिल जाएगी, और अगर आपको बाल वगैरह कटवाना है तो भी यहाँ हो जाएगा, बगल में बार बार की शॉप है। गजेंद्र भाई के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे नाम से आते हो और मेरे सब्सक्राइबर हो तो, बाकी सब बढ़िया है। तो गजेंद्र भाई आपको कुछ बोलना है होटल के बारे में? बस बहुत अच्छा था, सिटी के बिल्कुल नज़दीक है और सारे टूरिस्ट पॉइंट भी बिल्कुल पास में है,
और सर की तरफ से आएंगे तो हम अच्छा डिस्काउंट दे देंगे आपको। बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और रूम्स भी 3 स्टार कैटेगरी के हैं सर। हाँ, नया होटल है और अच्छा है, और स्पेशल बात वॉशरूम बहुत क्लीन है। ये है रूम, ये सोफ़ा, ये बेड, प्रॉपर कबर्ड है जो कि काफ़ी क्लीन है। अगर आपकी इच्छा है टीवी देखने की तो टीवी देख सकते हो आप, खुद को निहारने के लिए बड़ा सा मिरर, और जो मैं वॉशरूम बोल रहा हूँ कितना क्लीन है, यहाँ पे भी मिरर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है अपना रूम और अच्छा आदिल मिल गया, अगर आप आते हो तो आपको ही मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज की राइड के बारे में। आज की राइड लगभग 750 किलोमीटर हम लोगों ने राइड किया, जो कि बहुत अच्छा था रोड। बीच का एक स्पैन था जो ठीक नहीं था, बाकी सब बढ़िया था। आपको मैं हम लोगों ने क्या किया था, मुंबई से हम लोग ने गोधरा वाला हाईवे ना लेकर के वडोदरा से हम लोग ने दूसरा एक रूट लिया था, जिससे हम लोग 35-40 किलोमीटर बच गए थे। तो वो भी अच्छा रूट है, आपको थोड़ा सा गाँव एरिया से आओगे लेकिन अच्छा लगेगा वो रोड, आपको सीनरी व्यू अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको आना है तो आप उधर से आ सकते हो, या फिर गोधरा हाईवे आना है तो आ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रोड बहुत अच्छे हैं राजस्थान के बाद, तो रोड बहुत ही मक्खन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बस बाकी सब बढ़िया है। अब इस वीडियो का करते हैं अंत, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए घूमते रहो, मस्त रहो। साइनिंग ऑफ सुभाष, बाय बाय।